नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। वैलेंटाइन वीक में जहां प्रेमी जोड़े प्यार की खुमारी में मदहोश हैं, कपल जोर शोर से इसे स्पेशल बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं बिहार की पिंकी अपने लेटर को लेकर चर्चा में बनी हुई है। पिंकी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेटर लिखा है और इस लेटर में पिंकी ने बेरोजगारों का दर्द कुछ इस अंदाज में बयां किया है जिसकी सभी जगह चर्चा हो रही है। दरअसल चिट्ठी में बेरोजगार पिंकी तेजस्वी यादव से कह रही हैं कि आपने तो लव मैरिज कर ली है, लेकिन हमर मैरिज पर बेरोजगारी का अड़चन लगल है। अब सवाल ये है कि पिंकी आखिर कौन है। पिंकी के बारे में कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं है। पिंकी की ये चिट्ठी मगही में बड़े ही मज़ेदार तरीके से लिखी गई है, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि पिंकी है कौन। पिंकी की चिट्ठी पर फिलहाल अभी तेजस्वी यादव ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चलिए आपको पिंकी की चिट्ठी पढ़वा देते हैं। पिंकी लिखती है, आपको पता है हम बड़ी टेंशन में हैं। आप तो लव मैरिज कर लिए, लेकिन हमार मैरिज पर बेरोजगारी का अड़चन लगल है। हम 4 साल से प्रभात बांधुल्य संग वन साइडेड अफेयर में हैं। अफेयर के उम्र में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। सोचे थे नौकरी लगेगा तो प्रपोज करेंगे, लेकिन नौकरी तो लगने से रही। एक तो वैकेंसी नहीं है, और वैकेंसी आता भी है तो पेपर लीक हो जाता है। ये सब देखते देखते लगता है इहो वैलेंटाइन ऐसा ही पार हो जाएगा और हम प्रपोज भी ना कर पाएंगे। हम उधर कंपटीशन की तैयारी में लगल हैं और बाबूजी मने मन हमारे ब्याह की तैयारी में हमारी सब सहेली लोग का तो बच्चा भी हो गया है। ब्याह के बाद मन बड़ी मायूस हो रहा है। ई सब सोच सोच के बड़ी उम्मीद से चिट्ठी लिख रहे हैं, नौकरी का जुगाड़ लगवाइए, नहीं तो लेखक साहब किसी और जुगाड़ के साथ फरार हो जाएंगे। प्यार बिना नौकरी लेकर क्या करेंगे। आपकी नोटर और लेखक प्रभात बांधुले की वन साइडेड लवर पिंकी फ्रॉम पटना, स्नेह आभार। तो लेटर में पिंकी ने जिस प्रभात बांधुले का नाम का जिक्र किया है उसके बारे में भी बता देते हैं। वो एक लेखक हैं और वकील हैं। प्रभात ने BHU से लॉ स्कूल से पढ़ाई की है, जो कि मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद के हैं। उनका पहला उपन्यास बनारस वाला इश्क है। वो पिछले 2 साल से TV सीरियल और फिल्म की स्टोरी भी लिख रहे हैं। प्रभात बांधुले ने अपने फेसबुक पेज से पिंकी को लिखा है कि लव लेटर जब दूसरे को भेजना था तो बीच में मेरा नाम काहेला जोड़ दी पिंकी जी। खैर, चिट्ठी अब खबर में है और इसी बहाने हम भी हैं। बहरहाल पिंकी की इस चिट्ठी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।